नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर की, जिसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जनरली अगर हम देखें तो जो प्रीवियस लेक्चर हमने बात किया था कंप्यूटर नेटवर्क की, तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को स्ट्रक्चर्ड वे में अगर देखें तो उसको कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स कई तरीके से उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में हम नेटवर्क बना सकते हैं। उसी को हम यहाँ पे टोपोलॉजी नाम से जानते हैं। और कई सारे जो मेथड हैं टोपोलॉजी के, उस टोपोलॉजी मेथड को वन बाय वन हम विथ एग्जांपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क टोपोलॉजी के डिफिनीशन से। नेटवर्क टोपोलॉजी इज स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स। नोड्स मीन्स यहाँ पे है सिंपली जो आपको कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको हम नोड लेके चल रहे हैं। तो कहीं भी अगर नोड टर्म आता है तो उससे आप सिंपली समझिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम ही वहाँ की हम बात कर रहे हैं। नोड्स मीन्स सेंडर एंड रिसीवर थ्रू कनेक्टिंग लाइन्स। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बात किया था कि आपके कंप्यूटर लैब में या साइबर कैफे में जनरली कंप्यूटर नेटवर्क आपको दिख जाता है, कहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं और किसी न किसी लाइन के थ्रू वो या लिंक के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कुछ सिस्टम से हम कोई डेटा सेंड करते हैं या किसी और सिस्टम पे हम वो डेटा को रिसीव करते हैं। सेंडर रिसीवर का काम यहाँ पे होता है, जो लिंक में कंप्यूटर है उनके बीच में, तो वही कंप्यूटर नेटवर्क जनरली होता है। उसी के हम स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करेंगे कि किस किस स्ट्रक्चर वे में हम कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं। तो देयर आर सिक्स बेसिक टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी, सेकेंड वन इज स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वन इज बस टोपोलॉजी, फोर्थ रिंग टोपोलॉजी, फिफ्थ ट्री टोपोलॉजी एंड सिक्स हाइब्रिड टोपोलॉजी। वन बाय वन एक एक टोपोलॉजी को हम डिफिनीशंस, एग्जांपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में या फिर कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरेटिकल एग्जाम में तो इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन टोपोलॉजी करके, और अगर हम कंपटीटिव एग्जाम में बात करें तो कई छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे आएंगे जिसके बारे में कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेश टोपोलॉजी से। मेश टोपोलॉजी क्या होता है उसका हम पहले डिफिनेशन देखते हैं। इन मेश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइसेस। डिवाइसेस मीन्स अगेन यहाँ पे वही कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा है, किसी और कंप्यूटर सिस्टम से। ए फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क रिक्वायर्ड n(n-1/2) चैनल। चैनल्स मीन्स जनरली आपका लिंक बनाएंगे या लाइन जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम चैनल कहेंगे। टू लिंक n डिवाइस एंड n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट आर रिक्वायर्ड। समझिए क्या इसको, मेश टोपोलॉजी में बात कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे सब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होंगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड मतलब जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे पांच सिस्टम है तो पांचों सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होंगे। मतलब इससे ए सिस्टम कनेक्ट होगा, इसी से ए भी सिस्टम कनेक्ट होगा, इससे ए सिस्टम कनेक्ट होगा और इससे ए सिस्टम कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही ए सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, तो ये लाइन यहाँ पे है, ए सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ए सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ए सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, इसी तरह से ए वाला सिस्टम भी सबसे कनेक्ट होगा। तो इससे ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ पे इससे भी कनेक्ट है, हमने इससे भी कनेक्ट कर दिया, इससे भी कनेक्ट कर लिया, अब ए सिस्टम बचा। ए सिस्टम भी फिर सबसे कनेक्टेड होंगे, तो इससे कनेक्ट है, इस लाइन से इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, अब हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हर कंप्यूटर का, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, सब पॉइंट टू पॉइंट पेयर वाइज कनेक्टेड है। मतलब ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो मैसेज पास होगा या कोई डेटा हम सेंड करेंगे कम्युनिकेशन में, तो हम डायरेक्टली जैसे सपोज इस सिस्टम से इस सिस्टम भेज रहे हैं तो इस लिंक से डायरेक्टली इस डेटा इसके पास पहुँच जाएगा, बीच में इंटरमीडिएट नोड कोई भी नहीं है। और अगर इसमें टोटल लिंक की बात करें तो जैसे यहाँ पे पांच नोड हैं, तो पांच नोड के साथ, पांच नोड मीन्स पांच कंप्यूटर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लिंक यहाँ पे है टोटल। कैसे निकल जाएगा, जनरली इसी फार्मूला में अगर रखेंगे n, अगर नंबर ऑफ नोड है तो n n-1/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें, क्योंकि देखिए जो भी कनेक्शन होगा जब डेटा ट्रांसफर होगा या डेटा रिसीव होगा तो इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू ही होगा। तो देखिए इसमें कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, जितने लिंक होंगे 1 2 3 4, चार लिंक है तो चार इनपुट आउटपुट पोर्ट, यहाँ भी कितने लिंक है 1 2 3 4, यहाँ भी चार, तो सबके पास चार है। चार से फार्मूला अगर हम देखें जनरेट होता है, अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम तो उसमें n-1 पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा होता है उसको हम कहते हैं मेस टोपोलॉजी। कुछ एडवांटेज भी होते हैं इसके, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये कहीं भी ऐसी टोपोलॉजी आपको किसी कंप्यूटर नेटवर्क में या कहीं भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाती है। एडवांटेज क्या है, पहला है आपका रोबस्ट। रोबस्ट से मतलब है कि अगर यहाँ पे सपोज इस नेटवर्क में इस सिस्टम के बीच का अगर एक कम्युनिकेशन लिंक फेल होता है देन केवल इसके बीच में डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन बाकी और सिस्टम अपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे, इसका इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो इसलिए इसको हम रोबस्ट सिस्टम कह सकते हैं। सेकेंड क्या है, ईजिली फॉल्ट डायग्नोस। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आता है तो हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्या हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। अगर हम इस सिस्टम से इस सिस्टम डेटा भेज रहे हैं, अगर डेटा रिसीव नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है केवल इसी लिंक में प्रॉब्लम है, अदर लिंक में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो देखिए क्योंकि हर सिस्टम इंडिविजुअली एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सपोज करो ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट कर रहा है इस लाइन से, तो कोई तीसरी पार्टी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी इसकी प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस तरह से काफ़ी प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेसी के लिए हम इस टाइप की यूज़ करते हैं नेटवर्क का। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस नेटवर्किंग का तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, बहुत सारे लिंक हैं, बहुत सारे नंबर्स आप आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, तो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जाहिर सी बात है डिफिकल्ट होगा। सेकंड, कॉस्ट ऑफ केबल एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। अगर केबल देखें क्योंकि सबसे एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए केबल की जरूरत होगी तो वो भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, और इनपुट आउटपुट पोर्ट भी कितने चाहिए, n-1, जितने नंबर आप नोड हैं या कंप्यूटर सिस्टम है उससे एक कम आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, तो यहां पे देखें क्या हो रहा है, कास्ट काफी ज्यादा हो जा रहा है इसी से। और साथ में आगे कास्ट ऑफ मेंटेनेंस, जब ये सारी चीज कास्ट बढ़ेगा तो कास्ट ऑफ मेंटेनेंस भी तो बढ़ेगा इसका, तो ये कुछ एडवांटेज और कुछ यहां पे डिसएडवांटेज दिए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर मेस टोपोलॉजी बेटर होता है। कैसे बेटर होता है वो हम यहां पर देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी डिफिनेशन क्या कहता है, इन स्टार टोपोलॉजी Each node has a dedicated point-to-point link to central controller called hub. The device is not directly linked. देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे डिवाइस डायरेक्टली लिंक थे, बीच में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस यूज नहीं हुआ था और पॉइंट पॉइंट कनेक्शन था। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कनेक्शन यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल कंट्रोलर, जैसे सेंट्रल कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हब। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो डिवाइस होंगे जैसे कंप्यूटर सिस्टम है ये डायरेक्टली किसी सिस्टम से कनेक्ट नहीं होंगे, सारे सिस्टम किससे कनेक्ट होंगे, इस हब से। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, सपोज करो ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो यहां से यहां मैसेज डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। किसके थ्रू जाएगा, हब के थ्रू यहां पे जाएगा। ऐसे अगर ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना चाहता है इसके थ्रू यहां से जाएगा। तो यहां अगर हम देखें डिफरेंस, तो यहां पे पांच सिस्टम था, कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको डायग्राम, लेकिन यहां पर देखें तो लिंक कितने यूज हुए, जितने नंबर ऑफ डिवाइस है उतने ही नंबर ऑफ लिंक यूज हुए यहां पर, 1 2 3 4, और केवल एक इनपुट आउटपुट हर पोर्ट हर सिस्टम को जरूरत पड़ेगा, तो ओनली वन लिंक एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, मतलब एक लिंक ऐसे और केवल एक इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत
पड़ेगी, तो ये एडवांटेज भी हो गया इसका। दूसरा, इजीली इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इसका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन का एज ईजी होगा एज कंपेयर टू मेस टोपोलॉजी, क्योंकि अगर देखें डायग्राम से तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड, रोबस्ट, ये भी रोबस्ट सिस्टम होगा, क्योंकि अगर कोई एक लिंक, सपोज करो ए लिंक ब्रेक हुआ या फॉल्ट आया यहाँ पे, तो बाकी ये तीनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू द हब, इसलिए इसको रोबस्ट सिस्टम कहते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज क्या है, देखिए क्योंकि सारे सिस्टम देखिए तो किससे कनेक्टेड है, हब के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर हब फेल हो जाए, अगर यही हब फेल हो जाए तो क्या होगा, टोटल सिस्टम क्रैश कर जाएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉस्ट जो होगा, जो खर्च पड़ेगा इसके कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन में एज कंपेयर्ड इससे वो ज्यादा होता है, तो यहां पे भी डिसएडवांटेज आ सकता है कास्ट का फैक्टर स्टार टोपोलॉजी में भी। थर्ड, परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन हब, देखिए टोटल क्योंकि अगर सेंट्रली कनेक्टेड किससे है, हब से, अगर हर हब जो है बेटर परफॉर्म करेगा तो नेटवर्क भी आपका बेटर परफॉर्म करेगा। अगर हब ही बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका नेटवर्क क्या होगा, स्लो होगा, जिसका परफॉर्मेंस पुअर होगा। थर्ड हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट मतलब यहाँ पे कई सारे पॉइंट होंगे। वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन टू लिंक ऑल द नोड इन द नेटवर्क, नोड आर कनेक्टेड टू बस केबल बाय ड्रॉप लाइन एंड टैप। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने सर्किल कर लिया। बस टोपोलॉजी क्या कहता है, एक तो लॉन्ग केबल होगा, ध्यान दिए ये आपका क्या है, केबल, एक लॉन्ग केबल होगा जो काम करेगा एज ए बैकबोन। बैकबोन मीन्स जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे वो इसी से लॉन्ग केबल से कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे देखें तो एक दो तीन चार कंप्यूटर सिस्टम हैं और चारों सिस्टम कनेक्टेड किससे होंगे, इसी आपके बैकबोन लाइन जो लॉन्ग केबल था, तो जो यहाँ पे वाली लाइन है इसको हम कह सकते हैं ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन, ये भी क्या हो जाए, ये भी ड्रॉप लाइन है आपका, ये भी ड्रॉप लाइन, ये भी ड्रॉप लाइन, जो आपका मेन केबल है इससे जो कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन, उसको हम ड्रॉप लाइन कहते हैं, क्योंकि देखिए इस केबल से इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया। और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट मतलब इस केबल को इससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट जब पड़ेगा उसको हम टैप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका है टैप। इस तरह से ड्रॉप लाइन और टैप का यूज करके लॉन्ग केबल के साथ हम कंप्यूटर सिस्टम अटैच कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा बस टोपोलॉजी। यहाँ पे बैकबोन मीन्स सिंपली जो आपका लॉन्ग केबल है यही काम करता है किसका, बैकबोन की तरह। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होंगे, तो पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। ईजी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इसका इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ईजी है, क्योंकि सिंपली हमने एक लॉन्ग केबल लिया और सारे सिस्टम को उससे हम ड्रॉप लाइन और टैप से कनेक्ट कर लिया। सेकेंड, वन केबल एंड यन ड्रॉप लाइन रिक्वायर्ड, यन मीन्स जितने नंबर का कंप्यूटर सिस्टम होंगे उसकी बात कर रहा है। एक केबल, केवल एक केबल यूज होगा लॉन्ग केबल, और ड्रॉप लाइन छोटे छोटे जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होंगे उतने ड्रॉप लाइन और उतने टैप भी आपके यूज होंगे। कास्ट इज लेस देन अदर टोपोलॉजी, जो इसमें खर्च आएगा, जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, अदर टोपोलॉजी मतलब स्टार टोपोलॉजी और मेस टोपोलॉजी से कम खर्च आता है यहाँ पे इस तरह के नेटवर्किंग में, तो ये भी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होगा, इफ कॉमन केबल, जो यहाँ पे कॉमन केबल है, अगर ये कॉमन केबल ही फेल कर जाए तो सिंपल सी बात है क्या होगा, पूरा सिस्टम ये क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये केबल क्या है, कॉमन है सभी कंप्यूटर के साथ, तो एक ये हो गया। कोलिजन इज पॉसिबल, कोलिजन मीन्स जैसे सपोज करो कि एक, क्योंकि एक ही लाइन यहाँ पे है तो किसी से, किसी सिस्टम को किसी से कम्युनिकेट करना है, इसी लाइन के थ्रू डेटा जाएगा, तो जब डेटा कई सारे जाते हैं, बहुत सारे डेटा जाएंगे, तो वहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल है इसमें, बाकी और इसमें में कोलिजन की इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो होप सो मेस, स्टार और बस तीनों टोपोलॉजी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अदर टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।